अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लंकन प्रीमियर लीग में जो 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदे गए वो कौन कौन सी टीम ने ख़रीदे और कितने पाकिस्तानी पैसों में खरीदे गए, और सलमान खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं उनकी टीम में कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल है, उन्होंने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपना फेवरेट करार दिया और उन्हें ख़रीदा, यह सारा मैं आपको तफसीलन इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताता चलूं कि 21 नवंबर से इसका पहला मैच खेला जाएगा इस लीग का। और वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक इस वीडियो का रखा गया है। और आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, या कौन से शहर से देख रहे हैं पाकिस्तान के, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी टाइप करें। मोहम्मद आमर की अगर बात करें, इन्हें ख़रीदा गया है गाल ग्लैडिएटर ने, 40 लाख वाली कैटेगरी में ये शामिल थे। आज़म खान की अगर बात करें, इन्हें भी गाल ग्लैडिएटर ने ख़रीदा है, 40 लाख वाली कैटेगरी में ये भी शामिल थे। आसफ अली को भी गाल ग्लैडिएटर ने ख़रीदा है, ये भी 40 लाख वाली कैटेगरी में शामिल थे। वहाब रियाज भी 40 लाख वाली कैटेगरी के में शामिल थे। इन्हें सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार इंडिया के जो हैं उन्होंने ख़रीदा है, सलमान खान ने, जी हाँ। तो फ्रेंड सरफराज अहमद की बात करें, ये नायब कप्तान होंगे गाल ग्लैडिएटर के, ये भी 40 लाख वाली कैटेगरी में शामिल थे, इन्हें भी 40 लाख में ख़रीदा गया है। शुएब मलिक की अगर बात करें तो ये 70 लाख वाली कैटेगरी में शामिल थे। इन्हें डम्बोला की जो टीम है शहर से ताल्लुक रखती है उस टीम में ख़रीदा गया है। शाहिद खान अफरीदी की बात करें तो इन्हें भी गाल ग्लैडिएटर ने ख़रीदा है और 70 लाख वाली कैटेगरी में ये शामिल थे। गाल ग्लैडिएटर के ये कप्तान होने वाले हैं शाहिद खान अफरीदी। और नंबर 8 की अगर बात करें, उस्मान खान शिनवारी, वो डम्बोला की टीम में शामिल हैं, उन्हें 40 लाख वाली कैटेगरी में ख़रीदा गया है। आपका कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है और कौन सा खिलाड़ी सही ख़रीदा, आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। थैंक्स फॉर